हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश और आज के शेड्यूल में हम बात करने वाले हैं टी फार्मेसी एग्जाम 2021 के बारे में। साल भर आप लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है मुझे, जब से आपका साल स्टार्ट हुआ है, जो भी आपका एजुकेशनल ईयर है 2021, क्या आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाले है वो ऑनलाइन तरीके से होगे या ऑफलाइन तरीके से होगे, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, MCQ होगा या थ्योरी होगा, आपको किस एग्ज़ाम के टाइप के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सो सॉरी, मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा था, मैं क्या फिलहाल आपके टीचर्स कोई भी इसका आंसर नहीं दे पा रहा था पूरा साल भर, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस एग्ज़ाम पीरियड के वक्त क्या कंडीशन होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम के वक्त मतलब सिचुएशन क्या होगी। इवन जो भी अथोराइज्ड बॉडी है वो भी नहीं बता सकते थे कि इस साल के एग्ज़ाम किस तरह से लेने वाले हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था सिचुएशन क्या होगी तब। पर आपके जो भी एग्ज़ाम का समय अभी पास आ गया है तो और कुछ सिचुएशन भी हम सबके सामने है, तो हर कोई अब बता सकता है कि अब इस साल के एग्ज़ाम किस तरह से होगे। तो अब तो मेरा ये ओपिनियन है 100% आपके एग्ज़ाम जो भी होगी ऑनलाइन तरीके से होगी, क्योंकि देखो जो भी 10 के बोर्ड एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया है, जो इतने इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं उसको अगर कैंसिल किया जा सकता है तो आपके और जो भी फार्मेसी के एग्ज़ाम है वो 100% ऑनलाइन होगे, इसमें कोई और राय नहीं होगी। सो इसके जो भी इस साल एग्ज़ाम किस पैटर्न होगी, मतलब किस तरह का मतलब MCQ होगा या कोई और पैटर्न होगा, इसके बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते 100%, क्योंकि वो तो जब भी फाइनल डिसीजन होगा वो ऑनलाइन वेबसाइट पर पता चल जाएगा, आपके टीचर्स भी आपको बता देंगे, उसका ऑनलाइन जो भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उसका पैटर्न बता दिया जाएगा। पर जो भी मैक्सिमम चांसेस है MCQ बेस्ड के, क्योंकि ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम लेनी है तो सबसे ईजी पैटर्न जो भी होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और एग्जामिनेशन लेने के लिए भी वो MCQ का होता है। पर जब भी फाइनल डिसीजन आएगा और जो भी फाइनल सर्कुलर आएगा एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ऑनलाइन, तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि फाइनल डिसीजन क्या है। तो अभी जो भी हमारे चांसेस मतलब सिचुएशन को देख कर तो हम 100% कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से ही होगी और MCQ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मेरे सबको आपको यही रिक्वेस्ट है कि टेंशन लेना छोड़ दो, सिर्फ अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन रखो, और जो भी कुछ मतलब आपको लगता होगा ऑनलाइन होगी तो हम चीट कर सकेंगे कि ये कर सकेंगे, उस भरोसे मत बैठो। ऑन द सिचुएशन जो हो सकता है वो तो आप सबको पता है और आपको जो करना है आप करेंगे, पर अब तो आपके भाई की तरफ से आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले है जो भी जो जल्दी आने वाली है, तो आप सबको पता है, तो अपनी पढ़ाई पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखो और अच्छी तरह से अपने पढ़ाई को करने की कोशिश करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, सी यू।